गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोहलास लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कोहलास लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, हम लोग पढ़े थे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते थे, मोलर कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते थे, एक्स एक्सिस पे स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केसीएल ले लेते थे, केसीएल के केस में ये ग्राफ कैसा आता था, इस तरह का आता था, एक स्ट्रेट लाइन आता था, ठीक है। इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या बोले कि इस ग्राफ को, इस कर्व को पीछे की तरफ ले जाओ, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एक्सिस को, इस एक्सिस को कहां पे काटता था, यहां पे। इसको हम लोग बोलते थे लेमडा एम नॉट फॉर केसीएल, याद हो। लेकिन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी डिटरमिन इन दिस वे, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे मान लो एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, इस तरह का ग्राफ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड का केस में देख चुके हैं। यहां भी जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं यानी कंसंट्रेशन कम करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। और जब सी टेंस टू जीरो हो जाता है तो अचानक बड़ी तेजी के साथ ये इंक्रीज होता है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्योंकि जब सी टेंस टू जीरो होगा ये पूरा का पूरा किस में टूट जाएगा, आयंस। अब इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ ले जाओ, इस कर्व को अगर पीछे की तरफ ले जाओ, तो ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि इट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसीलिए द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मींस इट कैन नॉट बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। फिर कैसे निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कोहलास लॉ। कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोहलास लॉ। जैसे एसिटिक एसिड का निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ कोहलास लॉ। KCl का निकल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकल जाएगा एक्सपेरिमेंटली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकलेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसी पे क्वेश्चन क्या है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa आर 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन सी टेंस टू जीरो। तो लैम्डा एम नॉट NaCl का 126.4 दिया है, HCl का 425.9 दिया है सवाल में, और सोडियम एसिटेट का 91.0 दिया है। ये सभी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका पता है हमको निकालना है लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड। देखो बेटा, जब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करोगे तो एसिटिक एसिड किस में टूट जाएगा, CH3COOH किस में टूटेगा, इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू CH3COO-ion एंड H+ ion। लेकिन कब, जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट करोगे तब कंप्लीटली टूट जाएगा। तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा CH3COOH इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा नॉट CH3COO-ion प्लस लेमडा नॉट एच प्लस, ठीक है। यानी हमको ये चीज चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू निकालना है। दिया हुआ जो जो है उसको देखते हैं, ऊपर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान देना, लेमडा एम नॉट NaCl का दिया है, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेमडा नॉट Na प्लस आन प्लस लेमडा नॉट Cl-ion, कहां से लिख रहे हैं ये, कोहलास लॉ से। इक्वल टू कितना दे दिया 126.4। HCl का क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एच प्लस आन प्लस लेमडा नॉट Cl-ion, ये कितना दिया बेटा 425.9, ठीक है। लेमडा नॉट CH3CONa मतलब लेमडा नॉट CH3COO-ion प्लस लेमडा नॉट Na प्लस आन, ये वैल्यू कितना दे दिया बेटा 91.0 कि आपको दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, देखो ये चीज निकालना है, टारगेट इक्वेशन हमारा यही है, दिस इज द टारगेट इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से आप टारगेट इक्वेशन तक कैसे जाओगे, ठीक है।
ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हमको टारगेट इक्वेशन तक जाना है, मतलब यहां तक पहुंचना है। कैसे हम लोग पहुंचेंगे, देखो जरा सा ध्यान देना। हमको लेफ्ट साइड में चाहिए CH3COH, कहां से आएगा, ये और ये को हम ऐड कर दें सेकेंड और थर्ड को, 2+3। लेकिन लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, Na+ ion और Cl- ion, तो कैसे होगा, ये चीज कैसे निकलेगा, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं इससे एक नंबर। तो अब करके देखो, 2 क्या है, यहां से लिखना चालू करते हैं, लेमडा नॉट H+ ion प्लस लेमडा नॉट Cl- ion, ये 2 हो गया, प्लस 3 क्या है, लेमडा नॉट CH3COO- ion प्लस लेमडा नॉट Na+ ion, ये कौन सा हो गया बेटा, 3 हो गया। फिर -1 माइनस लेमडा नॉट Na+ ion प्लस लेमडा नॉट Cl- ion, यही है ना, माइनस हो जाएगा यहां पे माइनस, क्योंकि ये देखो माइनस ये होगा ना ऐसे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट को हटा दिए तो ये माइनस है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला को माइनस कर दिए, यानी राइट साइड में क्या क्या हो रहा है, किसको किसको ऐड किया, 425.9 प्लस 91.0 ऐड किए, माइनस 126.4। देखो जरा सर ध्यान दे, आपका टारगेट इक्वेशन आ जाएगा, ये क्या होगा, देखो Cl- ion का वैल्यू यहां पे जितना होगा यहां पे भी उतना ही होगा। कौन बोलता है ये, कोहलास लॉ। कोहलास लॉ क्या बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद व्हिच इट इज एसोसिएटेड। मतलब जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है Cl- ion का यहां पे जितना होगा यहां पे भी उतना ही होगा, इस बात पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये Na+ ion के साथ एसोसिएटेड है कि H+ ion का, क्योंकि इनफाइनाइटली जब डाइल्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन को तो हर एक आयन अपने आप में क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से Na+ ion का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी यहां पे जितना होगा यहां पे भी उतना ही होगा, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास, लेमडा नॉट H+ ion प्लस लेमडा नॉट CH3COO- ion, यही ना बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 को जोड़ करके तीसरा को माइनस कर दे, कितना आ जाएगा बोलो, 425.9 प्लस 91.0, सॉरी जीरो होना ना, 425.9 प्लस 91.0 माइनस कितना करना है, 126.4 करना है, माइनस 126.4, तो ये आ जा रहा है 390.5, कितना आ जा रहा है बेटा, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यानी आपका मिल गया जो चीज था, इससे क्या निकल गया आपका, लेमडा एम नॉट फॉर, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इक्वल टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से कोहलास लॉ के जरिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अब दूसरा एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में देखो।